हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आईबा फ्रॉम एम सिनेरियो और आज जो हम फोन रिव्यू करने जा रहे हैं वो है रियलमी का C21Y। कुछ दिनों पहले की थी, अगर आप लोगों ने वो वीडियो मिस कर दी तो कोई बात नहीं, आप हमारे YouTube चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। हाउएवर आज हम लोग इस फ़ोन का रिव्यू करेंगे और रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी प्राइस बताऊंगी जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। तो इस फ़ोन की प्राइस इस वक्त है 21,999 रुपीज़ ओनली। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फ़ोन के लुक एंड फील की। जो कलर वेरियंट हमारे पास है वो है क्रॉस ब्लैक कलर में, इसमें एक और कलर वेरिएंट आता है वो है क्रॉस ब्लू कलर में। फ़ोन बहुत ही अच्छा है वो इसलिए क्योंकि इट्स टोटली मैट, कुछ ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन देखने को मिल रहे हैं, कुछ रिजेस फील हो रहे हैं। फ़ोन के बैक पे हमें ट्रिपल AI कैमरा नज़र आ रहा है और फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया हुआ है और बॉटम लेफ्ट पे हमें रियलमी की ब्रांडिंग भी नज़र आ रही है। फ़ोन के रॉकर्स की बात करें तो इसमें हमें फ़ोन के राइट पे हमें वॉल्यूम रॉकर्स दिए हुए हैं और उसके बिल्कुल नीचे पावर बटन। फ़ोन के लेफ्ट पे हमें दिया हुआ है सिम ट्रे जिसमें SD कार्ड के भी स्लॉट्स हैं। फ़ोन के बॉटम पे हमें माइक्रो USB पोर्ट, माइक्रोफोन एंड हेडफोन जैक दिया हुआ है और स्पीकर ग्रिल इसके बॉटम पे नहीं है बट स्पीकर ग्रिल इसके पीछे है और जहाँ पे रियलमी की ब्रांडिंग हुई थी उसके बिल्कुल बॉटम पे दिया हुआ है। तो अब बात करते हैं हम लोग फ़ोन की डिस्प्ले की, लेकिन उससे पहले हम लोगों को फ़ोन को स्विच ऑन करके सेटअप करना पड़ेगा। तो फोन सेटअप हो गया है और अब बात करेंगे हम लोग इसके डिस्प्ले की। इसमें है 6.5 इंचेस का HD+ डिस्प्ले जिसकी रेजोल्यूशन है 720x1600 पिक्सल्स। और अगर हम ब्राइटनेस और कलर कंट्रास्ट वगैरह की बात करें तो आई मस्ट से के दे आर क्वाइट इम्प्रेसिव। ब्राइटनेस मुझे बहुत अच्छी लगी और कलर्स वगैरह काफ़ी वाइब्रेंट हैं और शार्पनेस बहुत अच्छी है इसकी। बाकी अगर हम इसके बात करें स्क्रोलिंग की और स्वाइपिंग की तो काफ़ी स्मूथ है स्क्रॉल करने में भी और कोई लैग फील नहीं हो रहा। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, वो इसलिए क्योंकि मुझे इसके कलर्स और ब्राइटनेस बहुत अच्छी लगी है और सेकेंडली वीडियो बिल्कुल भी जो है वो पिक्सिलेट नहीं हुई है। अब बात करते हैं हम लोग इसके प्रोसेसर एंड स्टोरेज की। इसमें है यूनिसॉक T610 का चिपसेट जो कि मार्केट में वापस आया है। और अगर हम बात करें इसके एंड्रॉयड वर्जन की तो इसमें है एंड्रॉयड 11 बेस्ड ऑन रियलमी UIR जो कि रियलमी का स्पेशल एडिशन UI है। लेट मी ऑल्सो टेल यू कि ये गेमर्स के लिए बेहतरीन डिवाइस है, वो इसलिए क्योंकि जैसे ही PUBG प्लेयर्स की तादाद बढ़ते जा रही है तो इसमें आप ईजिली और बहुत ही स्मूथली PUBG खेल सकते हैं, वो भी हाई सेटिंग्स में। तो अगर आप PUBG प्लेयर हैं दिस डिवाइस इज हाईली रिकमेंडेड। तो अब बात करते हैं हम लोग इसके स्टोरेज की। इसमें है 4GB रैम एंड 64GB रोम जो कि आप 256GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब हम लोग बात करते हैं इसके कैमरा की। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग वेट करेंगे कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। सो हियर वी आर। इसमें है ट्रिपल AI कैमरा जिसमें मेन कैमरा 30 MP का है, 2 MP के डेप्थ सेंसर और मैक्रो सेंसर दिया हुआ है और साथ में दिया हुआ है 5 MP का सेल्फी कैमरा। इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए, आपको आइडिया हो जाए कि इस प्राइस पॉइंट में आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कुछ टेस्ट शॉट दिखा देते हैं आपको एंड लेट्स सी हाउ दे आर। C21Y में दी हुई है 5000 mAh की बैटरी जो कि काफ़ी एफिशिएंट है अगर आपका यूसेज बहुत ज़्यादा है और साथ में दिया हुआ है इसके 10 W का चार्जिंग ब्रेक, तो आप आराम से फुल चार्ज पे पूरा दिन निकाल सकते हैं। और यस, अगर आप पावर सेविंग मोड में यूज़ करेंगे तो आप और भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट बट रियलमी C21Y में है रिवर्स चार्जिंग विच मीन्स कि आप अपने फ़ोन को एक पावर बैंक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं दूसरे डिवाइसेज को चार्ज करने के लिए। वेल, ये था हमारा आज का रिव्यू। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको रियलमी C21Y कैसा लगा। ब्रांड सिनेरियो को लेटेस्ट टेक अपडेट्स एंड न्यूज़ के लिए फॉलो करते रहें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम।